हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। छात्रवृत्ति के फॉर्म के करेक्शन से संबंधित तीन चार लेटेस्ट अपडेट आए हैं। उन अपडेट्स का आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला अपडेट आया है वह है कि छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने किया था और जिनका उनके विद्यालय से 22 अक्टूबर से पहले अग्रसारित हो गया था, तो उनके लिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है तो वह है कि उनका 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक वो अपना फॉर्म संशोधित कर और अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यह है पहला अपडेट। तीन चार अपडेट हैं, हम आपको सारे अपडेट एक एक कर बताएंगे। पहला अपडेट आपने देखा कि जो है 22 अक्टूबर तक जिनका अपने विद्यालय से फॉर्म अग्रसारित हो गया है वो लोग 13 दिसंबर से 26 दिसंबर तक अपना फॉर्म को की गई त्रुटियों को करेक्शन करके सही करके 26 दिसंबर तक अपने विद्यालय में जमा करा सकते हैं। तो दूसरा जो लेटेस्ट अपडेट है वह है जो दूसरा अपडेट है करेक्शन के फॉर्म से, तो वह है कि यूपी वो इसमें जो सभी बच्चे जो लॉगिन करते हैं तो उनके लॉगिन पैनल पर इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि यूपी बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों के किसी किसी का यूपी बोर्ड या उनका हाई स्कूल या इंटर का रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है। कुछ बच्चों का इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर उनके विश्वविद्यालय से मैच नहीं खा रहा है। तो इसके लिए यह नया इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अलर्ट जारी किया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों के छात्र हाई स्कूल और इंटर के अंक पत्र की छाया प्रति संस्था द्वारा सत्यापित कर संबंधित जिला कल्याण अधिकारी को 30 दिसंबर सन 2018 तक दें। तो ये यूपी बोर्ड के अलावा जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, कोई भी फॉर्म हो स्कॉलर का, तो वो लोग अपनी मार्कशीट को अपनी विद्यालय से अपनी संस्था से सत्यापित करा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को 30 दिसंबर सन 2018 तक उनको सौंप दें। और यह था सेकंड अपडेट। अब देखेंगे जो थर्ड अपडेट आया है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा अपडेट है वह है स्कॉलरशिप फॉर्म के करेक्शन से, तो वह है कि इनरोलमेंट और रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। जिन लोगों के में ऐसा आ रहा है कि इनरोलमेंट और रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, उन लोगों के लिए जो हल बताया गया है कि वो लोग अपना फॉर्म करेक्शन कर उसमें अपनी मार्कशीट जो उनकी फर्स्ट सेम की मार्कशीट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके अपने फॉर्म में और अपना फॉर्म लॉक करके और उसकी प्रिंट निकाल करके और उसके बाद जो उनको करना है वह अगले चरण में हम बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो जो अगला जो अपडेट है यानी कि फोर्थ जो चौथा अपडेट है तो वह है कि छात्रवृत्ति संबंधी जो आवश्यक सूचना जारी की गई है जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ की तरफ से। तो सबसे लेटेस्ट अपडेट भी है जो स्कॉलरशिप फॉर्म के करेक्शन से, और यह सबसे सही भी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो उसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ ने यह लेटेस्ट अपडेट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि छात्रवृत्ति संबंधी सूचना सन 2018-19 करेक्शन से संबंधित है, क्योंकि बहुत से लोगों में जो करेक्शन करना है तो उसमें उनके सब में इनरोलमेंट या रोल नंबर नॉट मैच्ड आ रहा है। लगभग 80% बच्चे हैं जिनको यह समस्या है, तो उनकी यह समस्या कैसे हल होगी उसके लिए यह जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ ने उसके लिए यह बताया है। उन्होंने यह सूचित किया है कि जिन छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां सही होने के बावजूद उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ रहा है, वे सभी अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएँ अपने प्रार्थना पत्र साक्ष्यों सहित दिनांक 28/12/2018 तक प्रत्येक दशा में अपने अपने शिक्षण संस्थान में जमा कर दें, जिसमें जो संलग्नों का जो विवरण जो रहेगा वह है निम्नवत रहेगा। पहला जो रहेगा वह है कि छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, उस एप्लीकेशन में आपको अपनी पूरी समस्या बतानी होगी। जो दूसरा होगा वह होगा छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। जब आपने ऑनलाइन कराया था तो उस फॉर्म की जो छाया प्रति होगी जो आपने पहले विद्यालय में जमा की थी उसकी छाया प्रति होनी चाहिए। तीसरा जो है छात्रवृत्ति ऑनलाइन के वर्तमान स्टेटस की प्रति, जो आपको वर्तमान इस समय स्टेटस दिख रहा है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में कि जो भी हो वो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। चौथा जो है वह संदिग्धता से संबंधित साक्ष्य के नेट की प्रति। अब जो है जो वर्तमान स्टेटस जो आ रहा है उसके बाद आपने जो भी उसमें संशोधन किए हैं उसके बाद आपने जो भी फॉर्म प्रिंट किया है उसकी एक प्रति होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें आप स्टेपल करके अपने संस्था में जमा करा दीजिए और अपने विद्यालय से कह दीजिए कि वो आपका फॉर्म अग्रसारित कर दें। और जैसा कि समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि सभी छात्रों को ऐसा ही करना है, अगर कोई भी छात्र ऐसा नहीं करता है तो वह छात्रवृत्ति पाने से वंचित हो सकता है।
तो कृपया ध्यान देकर इसको सभी छात्र 28 तारीख तक अपना करा लीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक ऐसा इस पर ध्यान नहीं दिया है, वो लोग अब ध्यान दे लें और अपना फॉर्म 28 तारीख के पहले ही कराकर अपने विद्यालय में जमा करा दीजिए। 26 तारीख तक, 26 लास्ट डेट है जमा कराने की, और उसको अग्रसारित करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप फॉर्म ऐसे ही दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शेयर कर उन अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए जिन लोगों को ऐसी समस्या आ रही है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि छात्रवृत्ति से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे वह आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे और आप तक पहुंचेंगे और आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक या एक नई सूचना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।